मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत, मुझे मालूम है कि आप लोग बेचैन हो। आप लोग को अपने सीयूटी मार्क्स बेसिस पे एडमिशन की पॉसिबिलिटीज जाननी है। तो आज हम लोग एक एमपी के सागर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसकी नेट ग्रेडिंग भी बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं आप सभी को यहाँ पे एडमिशन के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये एमपी के सागर में है। ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। नेट ग्रेडिंग में भी ए प्लस है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और इसके मार्क्स सीयूटी में काफी कम चाहिए। मैं आपको सेकंड स्लाइड बताऊंगा कि वो मिनिमम कट ऑफ क्या है जिसकी बेसिस पे आप एमपी में अगर पढ़ना चाहते हो, यहाँ पढ़ना चाहते हो, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इन्होंने अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे और इस वेबसाइट पे जाने के लिए जो लिंक होगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली जाके वहां पे अपना काउंसलिंग करा सकते हो। अभी इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बस ओपन किया हुआ है, काउंसलिंग की ऑफलाइन होनी है, लेकिन प्लीज मेरी बात को लास्ट तक सुनो, वीडियो को स्किप मत करना नहीं तो फिर पछताओगे। ठीक है, इनका जो नोटिस है पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का जो पोर्टल है वो 30 तारीख को ओपन हो चुका है, यानी 30 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका है, अभी चल रहा है। ठीक है, और जो अंतिम तिथि रखी गई है जस्ट आज के 5-6 दिन बाद यानी 10 मई को, 10th ऑफ मई को इन्होंने लास्ट डेट रखा हुआ, डेट बढ़ेगा लेकिन फिर भी आप लोग भाई 5 दिन हो चुका है, 5 दिन बाकी है तो आप लोग जरूर इसको फिलअप कर लेना। एक डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, ठीक है, काउंसलिंग वाला करके होगा। प्लीज जो लोग इसकी रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन कराना चाहते हैं वो डायरेक्टली घर बैठे करा सकते हैं, उनको फोन करोगे, ₹200 लेता है, बाकी ₹150 वो एक्स्ट्रा लेंगे, जो साइबर को आप देते हो वो पेमेंट उनको दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ठीक है, इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि आप लोग ब्रोचर को अच्छे से पढ़ें, यानी इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाएं, ब्रोचर को अच्छे से पढ़ें कि वो कोर्स अवेलेबल है कि नहीं और उस कोर्स के लिए क्या कोड बनाया गया, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डेट क्या है, आपके डेट ऑफ बर्थ वहां मैच कर रहे कि नहीं, तमाम चीज आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेमेस्टर फी की भी जानकारी दी गई है, आप वहां के फी को भी जान लो तब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करो। और लास्ट में लिखा गया है कि मई 2024 माह में फर्स्ट ऑफलाइन काउंसलिंग परिसर में आयोजित की जाएगी, यानी रजिस्ट्रेशन अभी ये ₹200 देके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ₹200, ठीक है, ₹200 दे के रजिस्ट्रेशन कराना है, ये तो घर बैठे कराना है, लेकिन जब इनकी लिस्ट आएगी तो उस समय जो बच्चा इंटरेस्टेड होगा वो ऑनलाइन पोर्टल पेमेंट नहीं करेगा, वो इनके वहां चला जाएगा। इसका जो अपडेट है वो आगे वेबसाइट पे प्रदर्शित करेंगे, आने वाले समय में जब ये काउंसलिंग स्टार्ट होगा तब अपनी वेबसाइट पे प्रदर्शित करेंगे। इसको हम थोड़ा मोटे हेडिंग में जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, वो मिनिमम मार्क्स क्या है, वो कम से कम कितने मार्क्स पर आपको एडमिशन मिल सकता है। तो वो है 120 से जनरलाइज, ठीक है, फॉर जनरल कोर्सेज। ठीक है, ध्यान देना कि जनरल कोर्सेज के लिए मैं बता रहा हूं कि कुछ इस तरीके से 120 टू 150 मार्क्स के आसपास अगर आपका है तो आप यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करा लो, इससे कम भी कर सकते हो। ठीक है, आप चले जाओ 80 तक लगभग, ठीक है, एसटी अगर एससी है तो 80 तक, बाकी जनरल ओबीसी यहां तक रहो तो आप आराम से कोर्स वाइज जा सकते हो। यहाँ पे डेट जो इन्होंने दिया हुआ है मैं आपको पहले मेंशन कर दिया, 30 अप्रैल लास्ट डेट, 10 अप्रैल, काउंसलिंग फी ₹200। काउंसलिंग मतलब रजिस्ट्रेशन फी है, ध्यान देना, काउंसलिंग यानी वो तो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बोल रहे हैं, यानी जैसे होता है ना बीएचयू में जो आपका फाइनल मार्क्स आता है कि जो भी 220 के ऊपर है वो आप अपने पोर्टल को चेक करें उनके यहाँ कोर्स एलोकेशन गया होगा, ऐसा यहाँ पे नहीं है। इनके यहाँ एक ऐसा कह रहे हैं नोटिफिकेशन में, यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑफलाइन यानी परिसर में, इनके कैंपस में आयोजित की जाएगी जिसमें भौतिक रूप से फिजिकली उपस्थित होके अनिवार्य होगा आपका काउंसलिंग कराना, जिसकी जो तिथि है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाली जाएगी। ठीक है, और ये वेबसाइट होगा इनका, यहाँ पे सामर्थ करके जो इनका एडिशनल वेबसाइट है वहां पे, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने देखो लिंक, वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा लीजिए, बाकी आगे का जो फर्दर अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ये वीडियो जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दो, जिस क्योंकि 5 दिन बचा हुआ है, लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। और देखो बच्चा जितना फैलेगा ना अलग अलग विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ बैलेंस रहेंगे, जैसे अब हर कोई बीएचयू के सोचे तो भाई बीएचयू कट ऑफ हाई चला जाएगा, हर कोई डीयू हाई चला जाएगा, हर कोई जेएनयू हाई चला जाएगा, लेकिन यही कोई बच्चा या कोई लड़की एमपी से ही आती है, सपोज वो एमपी की ही रहने वाली है, ठीक है, अब कोई लड़की अगर एमपी की ही रहने वाली है तो मैं तो कहूंगा कि भाई वो हो सकता है उसके गार्जियन बोले कि बेटी ऐसा काम करो तुम एमपी में ही रह जाओ,
और तुम हरि सिंह में एडमिशन ले लो, और उसके मार्क्स कितने हैं, और इस बच्ची के मार्क्स हैं कम से कम 220, और 220 पे इसको क्या क्या मिल सकता था, इसको BHU मिल सकता था, इसको क्या मिल सकता था, DU मिल सकता था, इसको मे भी JNU में भी चांस बन सकता था, HCU मिल सकता था। लेकिन अब ये हरी सिंह जा रही है, अब हरी सिंह जा रही है 220, तो कहीं ना कहीं बाकी बच्चों को JNU DU BHU में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। तो वीडियोज आप लोग अपने फायदे के लिए शेयर करो, अवेयरनेस के लिए शेयर करो, लोगों का फायदा हो, आपका भी फायदा हो। तो ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ जिससे कि आप सभी का सच में ज्यादा प्रॉफिट हो सके। मैं बार बार बोलता हूँ, यूट्यूब पे ऐसे चैनल नहीं मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं बच्चों का वेलफेयर में ज्यादा सोचता है। मैं रात दिन आपके लिए मेहनत इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि मैं वो यूनिवर्सिटी झूठ के ला सकूँ कि कम से कम मार्क्स पे कहाँ एडमिशन दिलवा सकता हूँ बच्चों को। सीटें खाली जो चली जाती है मैं वो पूरा भरना चाहता हूँ। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, मेरे हर वीडियोज को देखें और मुस्कुराते रहें। जिसको भी काउंसलिंग कराना है, यानी ये 200 रुपये रजिस्ट्रेशन कराना है इनका, तो वो आप काउंसलिंग वाले से भी करा सकते हैं। हर हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं।